धार से आती हुई सबसे ज्यादा उपद्रव की तस्वीरें। आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि रेणु देवी और संजय जायसवाल दोनों पर ही उनकी सुरक्षा पर सीधा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब ने पूछा है। राजीव जी, आपसे दोनों इस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है, क्या कहा है संजय जायसवाल ने और ललन सिंह ने क्या जवाब दिया है, सुना देते हैं, फिर आप दोनों इस पर जवाब दीजिएगा। खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को? संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। कई लोग इसे पहला मतभेद, बड़ा मतभेद मान रहे हैं सरकार के दोनों दलों में। दिखाइए शाहनवाज जी को और राजीव जी को। शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कीजिए, पर उस पर राजीव जी जवाब देंगे। वो पूछ रहे हैं ना कि पलट करके आपके शासित जो राज्य है वहां पर भी तो हिंसा हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? देखिए, हिंसा बिहार में हो रही है और संजय जायसवाल जी ने सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने जरूर कहा कि हिंसा उनके घर पे भी हुई, कल हम लोग कैबिनेट की बैठक में थे तभी ये सूचना आई और पुलिस ने उसके बाद वहाँ एक्शन लिया और वहाँ डिप्टी सीएम के घर पे भी और कई जगह बीजेपी ऑफिस भी जला। तो विवाद जेडीयू से कहीं नहीं है, सवाल ये है कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी सामूहिक है। इसलिए इस वक्त जो संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि बिहार को बदनाम करने के लिए, तो उन दलों की तरफ इशारा था कि जो लोग बिहार बंद क्यों कह रहे हैं। भाई यहाँ पे नवल किशोर जी कह रहे थे अभी, गलतफहमी पैदा की कि 4 साल के लिए है, ये 4 साल के लिए नहीं है, 4 साल बेस है, उसके बाद लोग सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सारे ऑप्शन होंगे। जो नौजवान 21 साल से 2 साल से कोरोना में भर्ती नहीं हो पाए थे उनको भी रिलैक्स दिया गया है, 2 साल उनकी उम्र को वापस कर दिया गया है, वो अब 21 साल के ही माने जाएंगे। तो इतनी चीजें की गई है सरकार की तरफ से, तो बिहार सरकार भी काम कर रही है, केंद्र भी काम कर रही है। बात सही है कि सिर्फ बिहार में नहीं, अन्य जगह भी है। तो ये हमारे और जदयू के विवाद का कोई विषय ही नहीं है, ये विवाद का है भारत बंद, बिहार बंद किसने कहा, रेणु देवी, राजनीतिक दलों ने सुरक्षा नहीं, कितने अंजना जी किस क्यों बिहार बंद किसने किया, क्यों किया, ये उन लोगों से सवाल पूछे ना अंजना जी कि क्या छात्रों के आंदोलन में उन मासूमों के कंधे पर बैठकर सियासत की दुकान कौन चलाना चाहता है। यहाँ संजय कुलकर्णी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं उन्होंने कितनी अच्छे से इस बात को रखा है, फिर भी गलत फहमी पैदा की जा रही। अगर बच्चे अगर नासमझी में वो रोड पर आए तो विपक्षी दल का काम क्या है, बिहार बंद कर दो और उनको उकसा दो, उनको भड़का दो, कहो कि आपको 4 साल के बाद अब सेना में 40 साल की नौकरी मिलेगी। अरे ये ब्रिज कोर्स है, ये बेस है, उसके बाद जो उनको सेना में पैरामिलिट्री फोर्स में पूरी जॉब मिलेगी। नवल जी, वो पूछ रहे हैं क्यों बिहार बंद कराया जाता है बिहार में, मैं उनसे कहना चाहता हूं उन बच्चों पे से मैं पूछना चाहता हूं ने जो कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप पूरे बिहार के और देश के युवाओं का भविष्य बंद कर रहे हैं और बिहार बंद नहीं होगा उसके विरोध नहीं बंद कर रहे, आप झूठ बोलते हैं। 19 महीना पहले जो झूठ बोले थे, 19 लाख रोजगार का, 19 लाख रोजगार भी नहीं है ना, बिहार में उद्योग लग रहा है, जवाब लूंगी प्लीज सर, लगे हुए हैं मिलने एक एक लगे हुए हैं, ठीक है, बोलने में आपसे जवाब लगा रहे हैं, मैं आपसे जवाब लूंगी सर। अरे 15-17 साल से उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि उद्योग लग ही नहीं सकता है, अरे आपके नेता कहते हैं कि उद्योग लग ही नहीं सकता है, आप कहते हैं उद्योग लगाने में लगे हुए हैं, आपने बोला था 19 लाख रोजगार देंगे, रोजगार देंगे 19 लाख, आप 19 रोजगार नहीं दे पाए, 19 महीना हो गया। अरे मंत्री जी, जो आपकी पार्टी बोलती है उसको बोलने का हिम्मत तो रखिए कि झूठ बोलती है। मैं आपको ले जाऊंगा, देखूंगा कैसे उद्योग लग रहा है। अरे 19 लाख रोजगार का क्या हुआ जो 19 महीना पहले बोले थे, अभी 5 साल बाद कर लीजिए, भारत सरकार 5 साल तक सारा बिहार जानता है, दे देंगे आपको लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, आपकी सरकार पिछले 17 साल से भी है, क्या किया है सब जानता है,
आज आपकी सरकार आप मंत्री अभी बने हैं ना, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी। क्या किया, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 2005 से? क्या किया बिहार में? सबसे ज्यादा गरीब बिहार में, सबसे ज्यादा लोग शिक्षा बदहाली है, काम कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था खत्म है, धार्मिक अस्मिता क्या नहीं है वहाँ पे? कौन सा काम किया है? राजीव जी को दिखाइए, राजीव जी बताइए तो, कोई तो वजह होगी। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? बदनाम मत कीजिए राजीव जी, बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? दूसरे सवाल, सबसे ज्यादा या कम का नहीं है सर? सबसे ज्यादा या कम का नहीं है सर? बड़ा सवाल ये है, राज्य सरकार, नवल जी प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे सुप्रिया जी के पास भी जाना है प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात है कि संजय जायसवाल ने जो भी प्रशासन की मिली भगत से हिंसा के आरोप लगाए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और कहीं ना कहीं अपरिपक्वता से ऐसे बयान दिए जा सकते हैं। कोई भी सुलझा हुआ राजनेता गठबंधन धर्म को इस कदर उन्होंने कहा है, और गठबंधन धर्म को कलंकित करने का अधिकार किसी राजनेता को नहीं है। पहली बात, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, निश्चित तौर पर जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है अगर उसके द्वारा किसी योजना का ऐलान किया गया है तो स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुमराह तत्व तो जरूर आए होंगे, और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है, और ऐसे बयानों से वो क्या साबित करना चाहते हैं? यही बात तो लालन सिंह जी ने भी कहा कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं जहां पूरी तरह से आपकी सरकार है। चर्चा सब पर करेंगे सर, चर्चा सब पर करेंगे।